शांति। 21 अक्टूबर आज बाबा बहुत गहरी बात सुना रहे हैं। कर्म करते हुए योग युक्त रहो तो तुम्हारा बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा और हृदय को शुद्ध करने के लिए याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रहकर भोजन खाओ। बाबा याद का महत्व बता रहे हैं, इससे तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। इसलिए भक्ति में कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो तुम बाप को जितना याद करोगे उतना तुम्हें सुख मिलता जाएगा। और बाबा ये नहीं कहते कि याद के लिए तुम बैठे रहो, बैठ जाओ लंबा समय। चलते फिरते कर्म करते हुए याद का अभ्यास करते रहो। अब ये हमारी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा कि हम चलते फिरते कर्म करते कितना योगयुक्त रहते हैं। भोजन की बात बाबा बहुत अच्छी कर रहे हैं। ब्रह्मा भोजन का बहुत गायन है। पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया भोजन ही ब्रह्मा भोजन कहलाता है। भोजन अगर योगयुक्त होकर बनाया जाए तो इससे स्थिति में बहुत बल मिलता है, प्योरिटी बढ़ती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। पर बच्चों से याद में रह के भोजन बनाया नहीं जाता। आगे चल के तुम याद में रहकर भोजन बनाएंगे, इससे तुम्हारी सेवा भी बढ़ेगी, तुम्हारी स्थिति भी बढ़ेगी। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इस ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवताएं भी तरसते हैं। तब होता क्या था कि सूक्ष्म वतन में जब बहनें भोग लगाने जाती थी, संदेशी बहनें होती थी, तो देवता भी आते थे। तो ब्राह्मण और देवता, फरिश्ते और देवता मिलकर ब्रह्मा भोजन खाते थे। तो बाबा कहते हैं देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए लालायित रहते हैं। ये साक्षात्कार की बात थी। और बाबा ये रियलाइज कराना चाहते थे कि पवित्र ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है। तुम याद में रहकर मिठाई बनाओगे, कोई खाएगा तो उसे साक्षात्कार होता रहेगा। बहुत ही अच्छी और गहरी बातें हैं ये। तो हम सभी प्लान बनाएं, याद में रह के भोजन बनाना, याद में रह के भोजन खाना, शांति से बहुत प्रेम से भोजन बनाना और खाना। इससे हमारा भी कल्याण और सेवा भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं देखो ये संसार कितना वंडरफुल है, ड्रामा कितना वंडरफुल है, यहाँ हर चीज वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा हर जन्म में अलग अलग फीचर्स लेती है। कैसा वंडरफुल खेल है। जानवरों के भी शरीर बनते हैं, सबके अलग अलग बनते हैं, सबकी आकृति फीचर्स अलग अलग होती हैं। कैसा वंडरफुल संसार है। जो बहुत चिंतनशील प्राणी हैं वो भी संसार को देखकर सोचा करते हैं किसने ये संसार बनाया, कैसी वंडरफुल रचना है। चिड़ियाएं भी अपने बच्चों की पालना कर रही हैं, पक्षी भी कितने अच्छे घोंसले बना रहे हैं। इंजीनियर्स भी जो नहीं काम कर सकते वो ये जीव जंतु कर रहे हैं। हर जीव जंतु अपने लिए घर बना लेता है। कैसा वंडरफुल खेल है, किसने ये खेल बनाया। बाबा दूसरी बात कह रहे हैं तुम्हें कभी भी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है और ये एक्यूरेट चल रहा है। बहुत ही काम की बात है हम सब के लिए। सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। अगर हम अपने चित्त को शांत कर लें तो इस एक्यूरेट ड्रामा को देख देख कर हम बहुत आनंदित रहेंगे। फिकर तब भी होता है जब कोई शरीर छोड़ देता है, उस पर बाबा हमें समझा रहे हैं कि तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक वस्त्र छोड़ती है दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। इसमें तुम्हें चिंता फिकर करने की बात नहीं है। ये बना बनाया ड्रामा है, ये अविनाशी ड्रामा है।
तुम्हारा पार्ट इमर्ज होता रहता है। कल पहले तुम ब्राह्मणों ने जो पार्ट प्ले किया था वो पुनः पुनः इमर्ज हो रहा है। तो वंडरफुल सीन बाबा ड्रामा की देख देख कर खुद भी कहते हैं मुझे भी वंडर लगता है और तुम बच्चों को भी बहुत वंडर लगना चाहिए और इससे तुम्हारी स्थिति बहुत ही सुंदर हो जाएगी। बाबा ने शुरू से ही बहुत ध्यान दिलाया, तुम बच्चे सेवा पर उपस्थित हो, सेवा की वृद्धि के तुम्हारे मन में ख्यालात चलते रहने चाहिए। तुम्हें ये भी याद रहना चाहिए अभी हमें घर जाना है, फिर देवता बनकर यहाँ आना है। सेवा के ख्याल चले। बाबा एक युक्ति बता रहे हैं कि राम का चित्र भी काला बनाते हैं, गोरा बनाते हैं, श्री कृष्ण और नारायण का चित्र भी गोरा और काला बनाते हैं। तुम दोनों चित्र ले लो हाथ में, भले ही छोटे हों, और लोगों को समझाओ कि नारायण कैसे, श्री कृष्ण कैसे गोरे थे। गोरे कोई शरीर की बात नहीं है, काले कोई शरीर की बात नहीं है। आत्मा कैसे पावन थी, सतो प्रधान थी, बिल्कुल शुद्ध थी, गोल्डन थी। और फिर काली बन गई, आयरन एज्ड में आ गई, आयरन तो काला ही होता है। तो शरीरों की बात नहीं, लेकिन ये आत्मा की स्थिति की बात है। तुम सबको समझाओ कि हम सभी मनुष्य कभी देवी देवता थे। ये देवी देवता भगवान नहीं है, यह मनुष्यों का ही पहला पहला स्वरूप है। और फिर कैसे पुनर्जन्म लेते लेते हम मनुष्य बने हैं, अब पुनः कैसे हमें देवता बनना है, तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए। अब ये शरीर छोड़कर हमें घर जाना है और देव पद प्राप्त करना है। वरदान बहुत सुंदर है सेवाओं में, क्योंकि संगठन होता है। इसकी बात माने उसकी माने, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, तुम निस्वार्थ भाव से सेवा में रहोगे, निर्विकल्प भाव से सेवा में रहोगे, तो सहज सेवाओं की सफलता होती रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। और स्लोगन तो बहुत ही गहन है, सकास के द्वारा दूसरों की बुद्धि को बदलने की सेवा करो। किसी की बुद्धि तमो प्रधान है, किसी के संस्कार गलत हैं, उसे वाइब्रेशंस देकर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो आज सारा दिन हम कर्म करते योग युक्त रहने की प्रैक्टिस करेंगे। किसी कर्म में बाबा मेरे साथ है, किसी कर्म में बाबा छत्र छाया है, किसी कर्म में मैं आत्मा देह में बैठ कर कर्म करा रही हूँ। तो आज का दिन कर्म योगी स्थिति में बिताएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.